आज का जो है ना पढ़ाई है मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइजर पर। पीछे हम लोग पढ़े थे कि चूंकि जब हम फसल लगाते हैं किसी भी फील्ड में, तो जो भी क्रॉप्स होते हैं, फसल्स होता है, वो करते क्या है, उसके जो पौधे होते हैं वो न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं, सॉयल से लेते हैं, हवा से प्राप्त करते हैं, और आपका वो वाटर से प्राप्त करते हैं। तो हम लोग पीछे पढ़े थे न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो 1000 माइक्रोग्राम पर ग्राम से ज्यादा होते हैं उन, या ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जीवों के ड्राई मास में। ड्राई मास मतलब उसमें जिसमें पानी नहीं है। हाँ, हमको पूरा सुखा दिया जाए, हमारे शरीर में से पानी निकाल लिया जाए, सेल में से पानी निकाल लिया जाए, तो जो बचेगा उसको कहेंगे ड्राई मास, सूखा हुआ। उसमें अगर 1000 माइक्रोग्राम जो है ना पर ग्राम, जितना हमारा वजन है उसमें 1 ग्राम में कितना, 1000 माइक्रोग्राम से ज्यादा अगर कोई मिनरल्स है, कोई न्यूट्रिएंट्स है, तो उसको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसा हम लोग पीछे देखे थे। जबकि 100 माइक्रोग्राम पर ग्राम से कम अगर कोई हो तो उसको कहते थे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर याद हो तो अगला दिन भी हम लोग पढ़े थे कि न्यूट्रिएंट जो है ना 16 प्रकार का था, 16 टाइप का था, जिसमें 9 जो थे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे और बाकी जो 7 थे वो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स था। और ये भी आपको याद होगा कि बताए थे कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो पौधों को आपका 3 सोर्स से प्राप्त होता है, एक एयर, दूसरा वाटर और तीसरा सॉयल से। तो एयर में तो आपका नेचुरल तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है, उससे आपका ऑक्सीजन CO2 आता जाता रहता है, रिस्पायरेशन के थ्रू जाता आता रहता है। लेकिन समस्या कहाँ होता है, वाटर भी क्या है, पानी भी बाहर से दे देंगे एग्रीकल्चर फील्ड में इरिगेशन के द्वारा, तो उससे भी हो जाएगा। समस्या सॉयल में आता है। अब हो क्या रहा है कि हम लोगों ने कई जो है ना तरीकों का उपयोग शुरू किया है, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग किया है, पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया है, इवन जो वेस्ट होते हैं क्रॉप के फसल के जो है ना, वो जो वेस्ट होते हैं उसको जला दिया जा रहा है फील्डों में। इससे क्या हो रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसको पूरा करते थे, प्लस हमारी जनसंख्या जो है ना तेजी से बढ़ती जा रही है, तो हमको बार बार फसल लगाना पड़ता है एक ही खेत में, उसको जो है ना उसके न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने का समय नहीं मिल पाता है। हम लोग जो है ना काफी ज्यादा एक तरह से बोले तो लगातार खेती कर किए जा रहे हैं खेतों में, जिससे उनका उर्वरता कम होता जा रहा है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती जा रही है। और इसी के लिए ये पढ़ना था हम लोग रिप्लेसमेंट। इसमें क्या था कि उसमें हम लोग कैसे न्यूट्रिएंट्स को मिलाएं, तो न्यूट्रिएंट्स मिलाने के लिए 3 प्रकार का उपाय है, या तो मैन्योर मिला दो, या फर्टिलाइजर्स मिला दो, या बायो फर्टिलाइजर मिला दो। ये करते क्या है, इन किसको बोलते हैं, तो ये तीनों के तीनों अगर पूछा जाएगा कि क्या है, क्या करता है, तो ये एडिंग करते हैं न्यूट्रिएंट्स को किसमें, सॉइल में या फील्ड में, अर्थात उसके फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, दैट इज इंक्रीजेज या इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। फर्टिलिटी सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अंतर क्या है तीनों में, तो मैन्योर और फर्टिलाइजर जो है ना वो पदार्थ होते हैं, सबस्टांस होते हैं, जीव नहीं होते, जबकि बायो फर्टिलाइजर जो होता है ना वो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं। बायो फर्टिलाइजर और मैन्योर में एक अंतर और है। इसमें मैन्योर जो होता है सामान्यतः ये आपका नेचुरल होता है और ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है, हेंस इट प्रोवाइड्स या प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एलोंग विथ ह्यूमस इन सॉयल,
सोयल ये नेचुरल ऑर्गेनिक होता है और अतः ये न्यूट्रिएंट्स तो देता ही देता है, उसके साथ साथ ह्यूमस देता है सॉइल में। ह्यूमस जो है ना वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है पार्शियली डिकम्पोज्ड। ध्यान रखिएगा, ह्यूमस अगर कोई पूछेगा तो कहीं हम साइड में कर देंगे, ह्यूमस जो है ना वो पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है जो कि सॉइल में पाया जाता है। अब बायो फर्टिलाइजर का बात अगर कर इसका फर्टिलाइजर का अगर बात करें तो फर्टिलाइजर जो है ना, अभी हम बताया ये सब्सटेंस है, तो कैसा सब्सटेंस है फर्टिलाइजर जो है ना, वो आपका आर्टिफिशियल फिशियल केमिकल इनऑर्गेनिक, मुख्यतः ये इनऑर्गेनिक होता है सबस्टांसेस सबस्टांसेस कॉमा फॉर्म्ड इन फैक्ट्री एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स विदाउट ह्यूमस। ये बिना ह्यूमस का ऑर्गेनिक मैटर का मिलाए हुए जो है ना न्यूट्रिएंट्स देता है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, प्रोवाइड मेनली नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स बट ऑल्सो ह्यूमस एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। एज नेचुरल ये प्राकृतिक रूप में, तो देखो ये आर्टिफिशियल है कौन फर्टिलाइजर, और वो दोनों प्राकृतिक है। तो इसका क्या है, नो साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट ऑन अगर कोई आपसे पूछेगा कि मैन्योर या फर्टिलाइजर क्या है तो आराम से बता देना। वैसे सबस्टांसेस को हम लोग मैन्योर या फर्टिलाइजर कहते हैं जो सॉयल में मिलाया जाता है उसके फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए या न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए। ये जो मैन्योर होता है वो नेचुरल होता है, ऑर्गेनिक होता है, अतः ये क्या करता है, ये आपका न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ह्यूमस भी सप्लाई करता है, जबकि फर्टिलाइजर जो होता है ह्यूमस सप्लाई नहीं करता है, मेनली तीन जो है ना आपका वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इससे तीन तरह का फर्टिलाइजर अभी तक बनाया गया है या यूज होता है, मेनली सप्लाई सप्लाई नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन देता है सॉइल को मुख्यतः, और क्या देता है फास्फोरस देता है फास्फेट के रूप में। हाँ फास्फोरस है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये मेनली ये तीनों देता है। तो पूछेगा आपसे कि कौन सा ऐसा वो है फर्टिलाइजर है का टाइप है जो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम ही देता है, तो आराम से आप बता देना। फर्टिलाइजर जो कि हम इंडस्ट्री में बनाते हैं आर्टिफिशियल होता है, सामान्यतः इनऑर्गेनिक होता है, और ये क्या करता है, केवल जो है ना तीन प्रकार का न्यूट्रिएंट्स प्रमुख रूप से देता है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, जबकि
आपका जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस क्या बताए, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है वो, आपका नेचुरल जो आपका प्रोसेसिंग होता है वो आपका चाहिए। ये आपका कौन देता है, मैन्योर देता है, इवन बायो फर्टिलाइजर भी देता है। अब इसमें हम थोड़ा सा और इसमें हम बताना चाह रहे थे कि आखिर मैन्योर बनता कहाँ से है, ठीक है? तो ये आपका चाह रहे हैं, क्या एक डिमेरिट है मैन्योर का? क्या ये तो नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट करीब करीब नहीं होता है, पॉल्यूशन वगैरह इससे नहीं फैलता, लेकिन एक साइड इफेक्ट इसका है। एक तो इसमें खर्च कम है, कॉस्ट कम है, इसमें खर्च ज्यादा है, किसमें, फर्टिलाइजर में। लेकिन इसमें एक समस्या ये है, समस्या ये है इसमें कि इसका जो आपका न्यूट्रिएंट सप्लाई कैपेसिटी है कम होता है, और जब न्यूट्रिएंट सप्लाई कैपेसिटी कम होगा तो ज्यादा मात्रा में आपको डालना पड़ेगा, और जब ज्यादा मात्रा में डालना पड़ेगा तो समस्या क्या आ रहा है, समस्या ये आने वाला है कि कैरिंग, इसको कैरिंग कैसे करेंगे, ज्यादा मात्रा में चाहिए। और क्या समस्या है इसके साथ, ये स्लो देता है सप्लाई, जो न्यूट्रिएंट्स को का करता है ना वो स्लो करता है, कौन, मैन्योर। इसको प्राप्त कहाँ से करते हैं हम, नेचुरल आपका जो डिकम्पोज होता है ऑर्गेनिक मैटर, जो लिविंग का वेस्ट होता है या डेड लिविंग्स होते हैं, जैसे लीप्स है, डंग है, हाँ यहाँ पर लीप्स वगैरह भी कर सकते हो, पत्तियां हैं, वो सब जो है ना ईटीसी कर लेते हैं, वो झाड़ू, वो जो आप बहारते हैं, साफ करते हैं, वो सब के सब जो है ना इसमें आ जाएंगे। तो वो वेस्ट जो होते हैं उन सबको हम इसमें रखते हैं, किसमें, मैन्योर में, अगर वो पार्शियली डिकम्पोज हो जाए। 4-5 महीना लगता है किसी भी वेस्ट को डिकम्पोज होकर कंपोस्ट में बनने में, 6 महीना तो जो है ना वो आपका 6 महीना औसत रूप में खर्च होता है। इसलिए इस साल जो वेस्ट निकला है आपके, जैसे गोबर है घर का, जानवर का, या हस्क है, या फिर जो है ना उसका और भी जो आपका वेस्ट है, या पौधों का वेस्ट है, तो उसको कोशिश ये करना चाहिए कि इस साल का जो है ताजा है उसको खेतों में न डालें, उनको क्या करने दें, डिकम्पोज होने दें, तब वो बढ़िया मैन्योर के रूप में अगला साल यूज हो सकता है। मतलब इस साल का अगला साल डालना है वेस्ट को, और अगला साल का जो है ना वो फिर आगे के साल में डालना है। एक साल अल्टरनेट कर दिया जाए, अर्थात प्रत्येक घरों में जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर सामान्यतः दो जो है ना डिच बनाना चाहिए, दो पैच बनाना चाहिए, एक जो है वो आपका अल्टरनेट साल का वेस्ट को डालने के लिए, कंपोस्ट प्राप्त करने के लिए। इससे क्या होगा, खेतों की उर्वरता बढ़ जाएगी, और तो और वो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गनिम्स हैं या ऑर्गनिम्स हैं जो आपके फसलों को नष्ट करते हैं उनकी मात्रा भी कम हो जाएगी। तो फर्टिलाइजर आपके खेतों को मिलेगा, लेकिन जो कीटनाशकों का उपयोग हमको करना पड़ेगा क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिम्स है तो वो कम हो जाएगा। इसलिए इसको सड़ाना चाहिए, गलाना चाहिए, 1-8 साल कम से कम, ठीक है, 1 साल कम से कम। नेक्स्ट है मैन्योर जो है ना, इसमें थोड़ा सा और हम आना चाह रहे हैं, मैन्योर को अभी हम कंपोस्ट के रूप में प्राप्त करना शुरू किए हैं, वो अलग से हम आएंगे। कई तरह के ये होता है मैन्योर जो होता है ना, वो कई तरह का होता है। इट इंक्लूड्स, इसमें और एक बात लिख लेते हैं हम, इट इंक्लूड इंक्लूड फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर का मतलब क्या होता है, जो एग्रीकल्चर फार्म से निकले, या आपके पास कैसे हो जा रहा है फालतू, इंक्लूड्स या इंक्लूड फार्म यार्ड मैन्योर या FMA, सॉरी FYM, FYM या कंपोस्ट या ग्रीन मैन्योर मैन्योर ETC।
ये सब ये रखता है, ग्रीन मैन्योर वगैरह रखता है, इसमें आता है। फार्म यार्ड मैन्योर में क्या आ जाएगा, जो आपके एग्रीकल्चर फील्ड से प्राप्त हो रहा है या आपके जो आपके कैटल फील्ड से प्राप्त हो रहा है, जैसे गाय भैंस रखे हुए हैं वहां से गोबर है, उसका यूरिन है या उसके बॉडी से जो झरा है वो सब, बाल वगैरह जो उसमें है या फिर उसके जो मैल जैसा है सब, तो वो सब जो है ना इसमें आ जाएगा। उसका खाना का जो वेस्ट है, खाना वो खाया कुछ छोड़ दिया, वो सब वेस्ट जो है ना वो सब आ जाएगा किसमें, फार्म यार्ड मैन्योर में। लेकिन उसको अगर हम डिकम्पोज कर रहे हैं, उसको कहते हैं क्या, कंपोस्ट। तो अगर डायरेक्ट हम डाल दे रहे हैं, जानवरों को रखे हुए हैं या खेती जो किए थे उसका जो वेस्ट था उसको डायरेक्ट खेत में डाल दे रहे हैं, तो वो आ जाएगा फार्म यार्ड मैन्योर में। लेकिन उसको अगर हम सड़ाएंगे, हाँ, माइक्रो ऑर्गनिम के रूप में डीच में डाल के, माइक्रो ऑर्गनिम डाल के या केचुआ डाल के, है ना, अर्थवाम में इसको कंपोस्ट करते हैं, अगर करेंगे उसको डिकम्पोज करेंगे तो वो कहलाएगा कंपोस्ट। और ग्रीन मैन्योर में हम लोग कुछ वैसे फसलों को रखते हैं, क्रॉप्स को रखते हैं, जो आपका अगर जोत दिया जाए या मिला दिया जाए खेत में, तो क्या होगा, वो खेत को न्यूट्रिएंट्स काफी मात्रा में देता है, जैसे बरसीम घास, ठीक है, जैसे मूंग, जैसे ढैंचा। हाँ, ढैंचा जो है ना वो कुछ हद तक आपका वो झाड़ी जैसा हो जाता है, छोटा इतना ग्रोथ हो जाता है 3-4 फीट का, और वो जो आपका ढैंचा होता है वो आपका कुछ हद तक क्या बोल सकते हो उसको, जो हम लोग अरहर का बात किए थे, राहर का बात किए थे, वैसा कुछ है। उसको हम लोग क्या करते हैं ना कि एक सर्टेन खेत में लगा देते हैं। ग्रीन मैन्योर में हम लोग क्या करते हैं कि जिसको ग्रीन मैन्योर के रूप में यूज करना है, मूंग है या ढैंचा है या कुद्रुम है या सनई है या फिर जो है ना आपका ये बताए थे बरसी में घास है, इसको क्या करते हैं हम लोग, बुन देते हैं खेत में। और जब उसमें से इतना बड़ा बड़ा, मतलब एक आध फीट का जब हो जाता है उसका पौधा या 1.5 फीट का हो जाता है पौधा, तो उसको क्या करते हैं, हल से जोत देते हैं खेत के साथ, सवाल के साथ मिला देते हैं, पूरा का पूरा जो फसल हो गया था इतना बड़ा बड़ा उसको खेत में जोत देते हैं। अब वो क्या होगा, उसमें डिकम्पोज होगा, ह्यूमस भी देगा और फर्टिलाइजर भी देगा। ये है ग्रीन मैन्योर का बात, आगे क्लास में डिटेल से पढ़ना है, 12 वगैरह में या मेडिकल में डिटेल से पढ़ना है। लेकिन ये जो फर्टिलाइजर है वो तो आपका जो है ना, 3 प्रकार के फर्टिलाइजर है अभी बाजार में मेनली, नाइट्रोजन देने वाले फर्टिलाइजर, फॉस्फोरस देने वाले या फॉस्फेट देने वाले फर्टिलाइजर और पोटेशियम देने वाले फर्टिलाइजर, ठीक है। जैसे यूरिया आप नाम सुनते होंगे अभी जो है ना, वो आपका कॉमन फर्टिलाइजर है यूरिया। कल या परसों जो है ना आपके देश में एक फर्टिलाइजर बनाया गया है यूरिया का, लिक्विड फॉर्म में, इफको द्वारा। इफको जो है ना वो आपका सहकारी कंपनी है, सरकार के द्वारा जो है ना अनुदानित कंपनी है, मतलब सरकार का उसमें पार्टनरशिप है। तो वो जो कंपनी है, उस कंपनी में इपको जो है ना वो क्या की है कि यूरिया जो आता था अभी खाद के रूप में, दाना के रूप में उसको छिटना पड़ता था, थोड़ा बर्बाद ज्यादा होता था, वो पानी के साथ इधर उधर जाता था, लिक्विड फॉर्म में मतलब कि बोतल में लाई है, अब उसको छिड़क दीजिए तो क्या होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि वो क्या था, सॉलिड फॉर्म में था, वो वाटर में डिजॉल्व होगा तब उसको खींचेगा प्लांट्स, और ये क्या है, ऑलरेडी डिजॉल्व है, तो बहुत तेजी से जो है ना प्लांट पे काम करेगा और प्लांट बहुत तेजी से ग्रो करेगा। ये इफको के द्वारा भारत में बनाया गया है यूरिया, लिक्विड यूरिया। लेकिन माइक्रो ऑर्गनिम जो ना सबसे बढ़िया बेस्ट माना जाता है, माइक्रो ऑर्गनिम को हम लोग इसलिए बेस्ट मानते हैं कि ये क्या करता है, कई प्रकार के काम करता है, जैसे इसमें नॉर्मल बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम आप लोग सुने होंगे, हम थोड़ा सा इसको डिटेल से देखेंगे, 2-3 लाइन लिख देंगे, आप इसमें बैक्टीरिया में देख सकते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया का बात था, राइजोबियम बैक्टीरिया, या इसको अलग से कर लेते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया को देखे थे। ब्लू ग्रीन एल्गी में जो है ना एनाबियाना वगैरह है, वो सबको हम लोग लगाते हैं धान वगैरह में, ठीक है, फंजाई भी है कुछ एक जिसको हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये आपका कुछ माइक्रो ऑर्गनिम था जिसका हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर के रूप। मैन्योर जो है ना वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है
इस कारण से कि एक तो वो आपका न्यूट्रिएंट्स देता है, दूसरा ह्यूमस देता है। ह्यूमस से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है ना किसका, सॉयल का, वो बढ़ जाता है। तो ह्यूमस अगर हम डालेंगे, सॉरी सॉरी, मैन्योर अगर हम डालते हैं, खाद जो घर का सड़ा गला पदार्थों से बना है, उस खाद का इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो सस्ता पड़ता है, दूसरा आपने अवशिष्ट पदार्थों से ही बना है तो उसका जो है ना पॉल्यूशन वगैरह होने का चांस कम है, और तीसरा फायदा क्या है कि ये क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉयल का बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमस होता है, और ह्यूमस क्या करता है, सॉयल को के पार्टिकल्स के बीच में रहता है और वो डिकम्पोज भी होता रहता है, और प्लस वाटर को, जो वाटर लीच होके नीचे जा रहा था ग्राउंड में, उसके उसको कम कर देता है, तो बार बार खेत को पटाना नहीं पड़ता है। हाँ, अर्थात कॉस्ट फिर कम हो गया, पानी भी कम चाहिए, फसल में पानी कम चाहिए, न्यूट्रिएंट्स बाहर से कम डालना पड़ेगा, और खेत जो है उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है वो अपने डेवलप हो जाएगा, वहाँ फ्लोरा और फाउना डेवलप हो जाएगा, जिससे खेत जो है ना वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी उसका हो जाएगा। लेकिन इसका एक डिमेरिट आपको हम बताए थे कि डिमेरिट यही है कि ये तेजी से आपका नहीं देता है, प्लस इसमें एक और है कि इसके लिए हमको जो है वो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा धोने वाला व्यवस्था करना पड़ेगा। हाँ, कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा मात्रा में डालना पड़ेगा, जहां पर हमको ये पाव भर में हो जाएगा, 100 ग्राम में हो जाएगा, वहां पर हमको ये 2 किलो 4 किलो डालना पड़ेगा। तो हमको इसमें ये है आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा। माइक्रो ऑर्गनिज्म जो है ना, माइक्रो ऑर्गनिज्म में हमारे कई अगल बगल के पड़ोसी देशों ने काफी अच्छा काम किया है, खास करके चीन है या ताइवान है, ये वियतनाम है, ये सब देशों ने काफी बढ़िया काम किया है। वो अपने देशों में जो चावल का उपज है उसमें खूब यूज करते हैं इसको। हाँ, और ये वो जो है ना इसको डालते हैं उसमें, और ये क्या, इससे उनको फायदा क्या होता है कि इस सॉयल का प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ गया है उनका, काफी ज्यादा चावल उनको मिलने लगा है, उसका जो रेट है, प्रोडक्शन रेट जो है ना काफी बढ़ गया है। मैन्योर और फर्टिलाइजर में अंतर तो आपका क्लियर हो ही गया होगा, हम थोड़ा सा बात कर रहे थे बायो फर्टिलाइजर का। पर रुकिए, करते हैं, और बायो फर्टिलाइजर में जो माइक्रो ऑर्गनिम्स है वो सिम्बायोटिकली, मतलब कि पौधे के साथ जुड़कर या दूसरे ऑर्गनिम के साथ जुड़कर, या वो फ्री रूप में जो है ना वो सॉयल में पाए जाते हैं, और वो मुख्यतः बैक्टीरिया और ग्लूगिन अल्गी के रूप में है, लेकिन कुछ एक फंगस भी है जिसका यूज हम करते हैं, किसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में करते हैं, बायो फर्टिलाइजर के रूप में। लेकिन ये दोनों जो है ना, बैक्टीरिया और ग्लूगिन अल्गी कॉमन है। कई बैक्टीरिया हैं जो नेचुरल रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उनमें से एक दो को का नाम यहाँ हम लिखे हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो आपका दलहनी जो पौधे होते हैं उनके जड़ों में, गांठों में पाए जाते हैं, और वो आपका जड़ में पाए जाते हैं, और जो आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं, किसमें, सॉयल में। फिर एजोटोबैक्टर है, वो आपका व्हीट, मेज वगैरह जो ग्रीन्स ग्रेन्स होते हैं उनके साथ लगाया जाता है, या उनको लगाने के बाद खेत में डाल दिया जाता है। ये जो स्पायुलम बता रहे थे, इसका हम लोग उपयोग करते हैं, सॉर्गम है, ज्वार है, मिलेट है, मैंने मिलेट में है ना, मिलेट के खेती में इसका यूज करते हैं, और तो और व्हीट अथी में भी, मेज में भी यूज करते हैं, किसका, ये जो स्पायुलम का। इसी तरह से अगर हम ब्लूग्रीन अल्गी का बात करें, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, इसमें नॉस्टक एनाबियाना जो है ना प्रमुख है, इनका उपयोग हम जो है ना वो करते हैं मुख्यतः क्रॉप में, वैसे क्रॉप में जो पानी में ज्यादा होते हैं, क्योंकि ब्लूगिन अलगी जो है ना सामान्यतः वाटर में ज्यादा रहना चाहता है, तो पैडी के लिए बहुत बहुत ज्यादा उपयोगी है वो, कौन, एनाबियाना वगैरह जो है सो। अब हम आगे बढ़ते, अगर तो बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम फंगस का भी उपयोग करते हैं, कॉमन उदाहरण आप माइकोराइजा का देख सकते हो, ये आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन सम फंगस एंड रूट्स ऑफ
वास्कुलर प्लांट, प्लांट या हायर प्लांट्स कर लो। वास्कुलर प्लांट मतलब आपके कुछ फंगस जो है ना वो आपके उनके रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। सिम्बायोटिक, सिम मतलब साथ साथ, है ना, साथ रहते हैं उनके साथ। जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया बताए थे लेग्यूम के रूट के साथ रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर कुछ एक फंगस हैं जो आपके किसके साथ रहते हैं, वो पौधे के जो हायर प्लांट्स हैं जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनके रूट्स के साथ जो है ना रहते हैं और उनके साथ आप उनको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करते हैं, उनके ब्रांचिंग में मदद करते हैं। उनका जो रूट ब्रांच है ना काफी ज्यादा ब्रांच हो जाता है, और साथ ही साथ हम इससे फायदा क्या होता है कि उनका फॉस्फेट एब्जॉर्ब करने का क्षमता, वाटर एब्जॉर्ब करने का क्षमता को बढ़ा देते हैं। कुछ एक सीरियल्स हैं उसमें भी इनका उपयोग किया जाता है फर्टिलाइजर के रूप में। साथ ही साथ आपका ये मटर है उसमें आप यूज कर सकते हो, टोमेटो में यूज कर सकते हो, ओनियन में यूज कर सकते हो, मसालों में हम लोग यूज करते हैं, एप्पल में इनका यूज करते हैं, एप्पल का पौधे लगाते हैं उसमें, स्ट्रॉबेरी का जो पौधे लगाते हैं उसमें माइकोराइजा का यूज किया जाता है। किस रूप में? फर्टिलाइजर के रूप में। ठीक है, तो समानता आपसे आएगा क्वेश्चन में कि माइकोराइजा क्या है, तो आराम से बता देना कि माइकोराइजा जो होता है वो एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। किसके साथ भाई? तो फंगस का है, वास्कुलर प्लांट के रूट के साथ। ये सामान्यतः कुछ एक क्रॉप प्लांट्स में भी यूज किया जा सकता है, जैसे सीरियल प्लांट्स, जैसे सीरियल समझ रहे हैं ना, खाद्यान्न जो है, हाँ, कुछ वो मटर वगैरह में यूज कर सकते हो, टोमेटो में, टमाटर में आप यूज कर सकते हो, किसको, माइकोराइजा को, ओनियन में यूज कर सकते हैं हम, एप्पल में यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी में यूज कर सकते हैं, ये सब कुछ फल है ना उनमें भी यूज कर सकते हैं हम। साथ ही साथ कुछ आपका जंगली जो वेराइटीज होता है पौधों का उसमें तो कॉमन है, माइक्रोराइजा अपने से डेवलप हो जाता है। अब लाइकेन का बात करते हैं हम। लाइकेन भी जो है ना वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखिएगा, लाइकेन एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, मतलब कि दो अलग अलग स्पेसिस के ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन है। जिस प्रकार से माइक्रोराइजा बता रहे थे, जिस प्रकार से हम राइजोबियम का देख रहे थे किसके साथ, लेग्यूम के साथ, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये लाइकेन भी है, ये आपका एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ऑफ सम फंगस एंड अलगी या फंजाई एंड अलगी के बीच में, ऑफ फंगस एंड अलगी। लाइकेन जो है वो आपका वो अलगी को पकड़ कर रखता है सबस्ट्रेटम के साथ, उसको वाटर सप्लाई करता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और अलगी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, चूंकि वो ग्रीन होता है तो दोनों एक दूसरे को भोजन देते हैं और जो आवश्यकता एक दूसरे का है वो पूरा करते हैं। तो अलगी जो है ना मुख्यतः भोजन देता है, और फंजाई जो है ना वो भोजन बनाने के लिए जो आवश्यकताएं हैं रॉ मटेरियल्स है उसको उपलब्ध करवाता है, तो ये लाइकेन का है। अब हम बात करते हैं इसमें हम इरिगेशन का बात, उपाय किया गया है इरिगेशन के लिए आर्टिफिशियल तरीके से, वो कैनाल्स बनाए गए हैं, और तो और आर्टिफिशियल जो है ना वो आपका एक्वेटिक वाटर बनाया गया है बॉडी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं वाटर को इकट्ठा रखते हैं और उसको इरिगेशन के रूप में यूज करते हैं, इरिगेशन सोर्स के रूप में यूज करते हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने कुआं का निर्माण किया है, वेल जिसको बोलते हैं, और तो और बोरिंग किया है हम लोगों ने, जिससे हम क्या कर सकते क्या करते हैं जमीन के अंदर का जो पानी होता है जिसको अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं उसका यूज कर पाते हैं और आराम से जो है ना इरिगेशन कर पाते हैं। इरिगेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू लैंड और सॉइल। तो अगला जो यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है वो है इरिगेशन, किताब से भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको केवल समझा देते हैं। आर्टिफिशियल इरिगेशन तो समझ में आ गया होगा, आर्टिफिशियल जो है ना सप्लाई करना वाटर का किसमें, क्रॉप फील्ड में, ये कहलाता है क्या, इरिगेशन। इरिगेशन जो होता है उसके कई सोर्स होते हैं और इसके लिए हम लोग वेल बनाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, कुआं बनाते हैं,
या बोरिंग करते हैं, पॉन्ड्स बनाते हैं, लेक बनाते हैं, डैम बनाते हैं, रिवर जो है ना उससे आपका क्या करते हैं, यूज करते हैं वाटर का या कैनाल्स का। अब आप में से कुछ एक बच्चे या लोग हमसे ये पूछते हैं कि फसल में ज्यादा अच्छा कौन सा पानी डालना है, कैनाल का वाटर, डीच का, या वन नेचुरल रिसोर्स का, या फिर जो है ना वो आपका वेल का या बोरिंग का। देखो कुआं का पानी जो होता है, कुआं का पानी में कुछ कुछ मात्रा में जो है ना नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। इवन कुछ एक जो है ना डिकम्पोजिशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो उसमें जो है ना मीथेन वगैरह भी मिल जाता है, तो उसमें जो है ना कुछ हद तक न्यूट्रिएंट्स होता है। लेकिन वो जो बोरिंग का पानी होता है, डायरेक्ट बोर से जो पानी आता है, उस वाटर में जो है ना वो मिनरल्स काफी कम होते हैं, न्यूट्रिएंट्स काफी कम होते हैं, जिसके चलते हमको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स देना पड़ता है। तो कोशिश कीजिएगा कि वो जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका उपयोग इरिगेशन में काफी कम किया जाए या ना के बराबर किया जाए। लेकिन नदियों का जो वाटर होता है, पानी होता है, कैनाल्स नहरों का जो पानी होता है, या वो पॉन्ड्स का जो पानी होता है, वो काफी अच्छा है इरिगेशन के लिए। और क्यों अच्छा है? क्योंकि उसमें मछलियां होती हैं, हाँ, उनमें जो है ना कई प्रकार के दूसरे एनिमल्स होते हैं, जैसे मेढक है, हाँ, फ्रॉक्स है, हाँ, स्नेल्स है। ये सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन अपने जो वेस्ट हैं अमोनिया के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में, कुछ का है, कुछ जो है ना आपका मेनली वही अमोनिया है, तो अमोनिया के रूप में वो क्या करते हैं, वाटर में डालते रहते हैं। और तो और उसमें शैवाल का डेवलपमेंट अधिक हो जाता है, अल्गी खूब पाया जाता है, लाइकेन का डेवलपमेंट किनारा में हो जाता है। तो वो जो आपका अल्गी है वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एनाबियाना वगैरह उसमें डेवलप हो जाते हैं, जिससे उस वाटर में सॉइल वो नाइट्रोजन कंपाउंड की मात्रा ज्यादा होती है। और इससे इसके कारण अगर उसको हम खेत में डालते हैं पटवन के रूप में, तो क्या होता है, हमारी जो फसल है ना वो तेजी से बढ़ती है, उसमें कम से कम मात्रा में हमको आर्टिफिशियल जो है ना फर्टिलाइजर डालने पड़ते हैं। तो वेल के पानी के तुलना में, अंडरग्राउंड वाटर के तुलना में, ये जो आपका नेचुरल रिसोर्सेस के वाटर है, जैसे कैनाल का, नदियों का, लेक का, वो ज्यादा क्या है, फ्रूटफुल है। अब जो आपका इरिगेशन है उसके कई तरीके हैं, उसमें कई तरीके हैं। तो कैनाल वगैरह, ट्यूब वगैरह तो हो जाएगा, ट्यूबवेल वगैरह जो है ना वो तो हो गया होगा। अब हम बात करेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, है ना, हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन पढ़ेंगे, जिसमें स्प्रिंकल सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम है, क्यों इसका जरूरत पड़ा, और तो और ग्राउंड वाटर का जो है ना रिचार्जिंग का क्या मतलब है, क्यों करना चाहिए, वो जो वाटर पानी जो वर्षा जो होता है, रेनफॉल जो होता है, उसके पानी को कैसे रोकना है, ये सब तरीकों को अगला दिन हम लोग देख लेंगे। और